लगातार गोलियां चल रही है उत्तर प्रदेश में, गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अच्छा। और आज उनके आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यूपी के संभल में भड़की हिंसा और आगजनी के बाद माहौल गरमाया हुआ है। एक ओर पुलिस का हिंसा करने और भड़काने वालों पर एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर सियासत भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जमकर हो रही। ऐसे में नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद शीतकालीन सत्र के लिए दिल्ली पहुंचे थे। जब खूब हंगामे के बाद सत्र स्थगित हो गया तो चंद्रशेखर सीधे संभल के लिए निकल पड़े। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने उनको रोकने के लिए हापुड़ के छिजारसी टोल पर फौज उतार दी। और जब वहां चंद्रशेखर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रोके जाने के बाद चंद्रशेखर और पुलिस अधिकारियों के बीच खूब गहमा गहमी हुई। चंद्रशेखर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अपने लोगों के लिए जा रहा हूं और कोई उनके साथ खड़ा हो या ना हो, मैं घर नहीं बैठूंगा। कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, वकील भी हूं और सांसद भी हूं, लेकिन लोगों की हिंसा के खिलाफ और हिंसा का किसी तौर पर समर्थन नहीं करता मैं, हिंसा के खिलाफ। लेकिन हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग गलत हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं किया जाता। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो या ये आंदोलन, लगातार गोलियां चल रही है उत्तर प्रदेश में, गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। हम अपने लोगों के उसको सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग हुए। और आज उनके आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, चार लोगों की जान चली गई, आपका समर्थन है, उनके साथ है, इसका हमको भी जानकारी है। और लेकिन देखिए, अब आप माननीय सांसद नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ, मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस, जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन दे? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं उनके साथ साथ नारेबाजी। पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहां सदन को स्थगित कर दें, बात ना रखें, लेकिन यहां सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? देखिए, वो वहां पे आपकी जो उनके साथ समय देखिए, हम सबसे कहाँ कहाँ करवा चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ करवा चाहते हैं? मेरे से और अपने अधिकार पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग आप सुरक्षित है, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, तो मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात से बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बैठ? आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। बता दें कि संभल में बवाल के बाद कई तरह की जिले में पाबंदियां लगा दी गई हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जन प्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी की जा रही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।